Hello, teacher. Let's read the question. The unit mass having r vector equals to 8 I cap minus 4 j cap as position vector and v vector equals to 8 I cap plus 4 j cap as velocity vector. Find magnitude and direction of its angular momentum. So, given the unit mass, it means m equals to SI unit mein denge 1 kg. अब यहाँ पर गिवन है हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस बॉडी एज 8 आई कैप माइनस 4 जे कैप और गिवन है वेलोसिटी वेक्टर वी वेक्टर एज 8 आई कैप प्लस 4 जे कैप. तो बच्चे यहाँ आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड जे कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस और हमें फाइंड करना है इसके एंगुलर मोमेंटम यानी कि एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो बच्चे जब एक बॉडी रोटेट हो रही है विद द वेलोसिटी इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर तब एंगुलर मोमेंटम को हम एक्सप्रेस करते हैं एम विद इन ब्रैकेट आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर. अब ये क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को हम फाइंड कर लेते हैं डिटरमिनेंट से. तो ऑर्डर इम्पोर्टेंट है इसमें. तो सबसे पहले जब हम आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर को फाइंड करेंगे तो हम डिटरमिनेंट के फर्स्ट रो में लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप. सेकेंड रो में लिखेंगे आर के कंपोनेंट्स यानी कि 8 माइनस 4 0. थर्ड रो में वेलोसिटी के कंपोनेंट्स यानी कि 8 4 0. अब बच्चे इसको जब फाइंड करेंगे सो दिस इज आई कैप एंड विद इन ब्रैकेट आ जाएगा 0 माइनस 0. देन लिखते हैं हमेशा डिटरमिनेंट सॉल्व करते समय माइनस जे कैप तो ये भी हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस k कैप तो विद इन ब्रैकेट आएगा 32 माइनस ऑफ माइनस 32 इट मींस प्लस 32 तो ये आ जाएगा 64 k कैप यूनिट. अब इसको जब हम इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा l वेक्टर इज इक्वल टू m की वैल्यू तो 1 kg है सो दिस इज 64 k कैप यूनिट. इट मीन्स जो एंगुलर मोमेंटम है उसका मैग्नीट्यूड है 64 एंड के कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस के डायरेक्शन और बोल सकते हैं हम अलोंग प्लस जेड डायरेक्शन. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. थैंक यू.